बहु, ओ बहु, कहाँ है बहु? आप ये क्या कर रहे हैं लल्ला के बाबूजी? लल्ला के हमाम देख रहे तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। अरे बहू तो सवेरे सवेरे गई ना वहाँ गप्पू के स्कूल में गप्पू को लाने के लिए, और तुम बहू बहू चिल्ला रही हो। अब क्या करें लल्ला के बाबूजी, बहू को आवाज लगाने की आदत पड़ गई ना हमें। हमारे बनारस में एक कहावत है, अगर सास को चाहिए अपने सर पे ताज तो पूरे घर में गूंजनी चाहिए उसकी आवाज। दादी! अरे छोटे लल्ला आजा 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 मेरा बच्चा। दादी आपको पता है हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अरे वाह छोटी लल्ला, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि कंपटीशन का जज राजीव है। अरे वाह, तब तो हमारे गप्पू को फर्स्ट प्राइज मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों लल्ला की अम्मा? और नहीं तो क्या। वैसे छोटे लल्ला, तुम फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में क्या बन रहे हो? हाय, वो कौन है? नहीं गप्पू, तुम आयरन मैन नहीं बल्कि फायर फाइटर बनोगे। वो जो अपनी असल जिंदगी में अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाते हैं, रियल लाइफ हीरो। नहीं नहीं बहू, छोटे लल्ला ये सब कुछ बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें बताते हैं तुम क्या बनोगे। तुम बनोगे देश की सबसे संस्कारी बहू बिंदिया। क्या गप्पू बिंदिया बनेगा? हाँ बहू, तो इसमें बुराई क्या है? वैसे बहू हम छोटे लल्ला को संस्कारी बना रहे हैं। अरे लेकिन अम्मा जी, गप्पू लड़का है और बिंदिया लड़की, तो इसमें क्या हुआ बहू? जब हमारा लल्ला छोटा था ना, स्कूल जाता था, तो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में राजकुमारी बना था। क्या? हाँ बहू, हमारे पास फोटो भी है, दिखा देंगे तुम्हें। हाय लल्ला की बाऊजी, अरे आप बुद्ध बने क्यों बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ बना था, फोटो भी है लल्ला की। देखा तो अब तय रहा कि हमारा छोटा लल्ला बिंदिया बहू बनेगा। नहीं अम्मा जी, गप्पू बिंदिया नहीं बनेगा। आपने अपने लल्ला को लड़की बना दिया होगा, लेकिन मैं अपने लल्ला को लड़की नहीं बनने दूंगी। बहू सास कौन है, तुम या हम? आप। बड़ा कौन है, तुम या हम? आप। तो बस तय हो गया, हमारा छोटा लल्ला बिंदिया बहू बनेगा। अब नहीं अम्मा जी, गप्पू बिंदिया नहीं बनेगा। मैं शूट नहीं करूंगी। नहीं, मैं बिंदिया बहू नहीं बनने वाला। अरे छोटे लल्ला, पहला इनाम तुम्हें ही मिलेगा। और हमने तुमसे कहा ना, जब तुम्हारे पापा छोटे थे तो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में राजकुमारी बने थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा तो तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, हम अभी फोटो लेकर आते हैं और दिखाते हैं। हटो। हाँ बाऊजी। अरे बहू अब क्या कहो, तुम्हारी सास जो है ना, जो सोच लेती है वो ठान लेती है, और ठान लेती है ना तो करके दम लेती है। ये देखो ये देखो, यकीन नहीं हो रहा है, देखो। पापा कितने फनी लग रहे हैं। देखा तो फिर तेरा कि हमारा छोटा लल्ला फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बिंदिया बनेगा। और कैसे बनेगा वो हम पे छोड़ दो बहू। आने दो राजीव को, मैं भी देखती हूँ कि गप्पू बिंदिया कैसे बनता है। ये टॉर्चर खानदानी है, दादाजी कुछ कीजिए ना। गप्पू तू घबरा मत, ये दोनों शेर है तो तेरे दादाजी भी सवा शेर है। अब मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए तेरे दादाजी के पास एक बहुत बढ़िया बनारसी प्लान है। सही प्लान है दादाजी। मुझे माफ कर देना कुशल, मुझे माफ कर देना। कनेक्ट, वाह हा हा, बड़ा शॉट बिंदिया जी। थैंक यू सर। दिनेश, अब लाइटिंग वहां शिफ्ट करो, कैमरा भी उधर, वहां से शॉट लेंगे। ए,
So why not? देखा कुशल, मेरे इतने सारे फैंस हैं, पर तुम्हारी फैंस कहाँ हैं? कोई नहीं है। हेलो मैडम जी। Yes? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। आपके साथ एक फोटो मिलेगी जी? Of course, why not? मैडम जी, एक और फोटो मिलेगी जी। कितनी अच्छी फोटो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ही तो प्रॉब्लम है जी। हमने आपको हमेशा रोते हुए देखा है जी, और इसमें तो आप हंस रहे हो। एक रोते हुए हो जाए जी, एक फोटो प्लीज, एक फोटो जी। क्या? अरे वाह बिंदिया, खींचो ना फोटो। अरे काहे शर्मा रही हो, रो ना थोड़ा। खींचा खींचो, थोड़ा सा और जी, तुम कर सकती हो, कमल। थैंक यू जी। थैंक यू। रोते हुए बिंदिया, थोड़ा रो। मुझे फोटो नहीं खींचना। क्या हुआ बिंदिया, आप किसने परेशान किया तुम्हें? क्यों शूटिंग नहीं करनी? I'm upset. तुम बताओ बस, नाम बताओ उसका, अभी ठीक करता हूँ मैं उसको। अच्छा, नाम बताओ, सीरियसली बोलो। बताओ तो सुनो। बताओ। राजीव गुप्ता। ये तो मेरा ही नाम है ना? Yes, it's you. मैं शो, मुझे पता है कि मैंने बहुत बार शो छोड़ने की धमकी दी है, पर इस बार मैं सीरियस हूँ। I'm going. अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। आपको पता है सर, सुबह से मैंने 5000 सेल्फीज की थी। और तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम पॉपुलर इतनी हो। ओह नो, फिर सबको मेरा सिर्फ रोता हुआ पोस्ट चाहिए, कोई मुझे हंसना देखना ही नहीं चाहता, because they have not seen me smile. आपने इस शो में मुझे हंसता हुआ दिखाया ही नहीं है ना सर। नहीं नहीं देखो बिंदिया, तुम्हारा रोता हुआ चेहरा, तुम्हारी मायूसी लाखों करोड़ों लोगों की खुशी का कारण है। यहाँ तुम रोती हो, वहां हमारा शो नंबर वन होता है। तुम्हारे आंसू गिरते हैं और शो की टीआरपी उठती है। नो 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 नो, मैं सिर्फ एक शर्त पे काम करूंगी, और वो शर्त ये है कि आज के सारे सीन्स में बिंदिया सिर्फ हंसेगी, सारे लाइंस में हंसते हुए बोलूंगी, मैं रोऊंगी नहीं। ओके, तो सारे सीन्स की बैंड बज गई। क्या? नहीं मतलब जो करना है करो, तुम हंसो मैं रोऊंगा। क्या मतलब? तुम्हें जैसे करना है करो, शूट करने आ जाओ, वो चैनल का ईपी नितिन भी आ रहा है, इसलिए डोंट वेस्ट टाइम, आ जाओ हंसते हंसते। सच? और राजीव सर, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो। कैमरा एक्शन। नहीं कुशल, मैंने वो हार नहीं चुराया। कट। ओह बिंदिया जी, ये सारा सीन जो है ना, ये इमोशनल सीन है, आपको इमोशनली डायलॉग बोलने, इमोशनली हंस के नहीं। जैसा बोल रही है बोलने दो, तुम शूट करो। कैमरा एक्शन। कुशल, मैंने वो हार नहीं चुराया। पंची बेटा परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं बात करूंगा, कोई जरूरत। कट। अरे यार ये कौन गधा मेरे सेट पे बोल रहा है? गधा? नहीं नितिन, वो गधा नहीं है ये। नितिन हमारे सेट के पीछे एक धोबी है, उसका गधा आवाज करता है, तो वो लगा कि वो। कोई बात नहीं, तू बात कर ले। अच्छा, वो गधा धोबी। रेडी सर? हाँ जी है। एक्शन। नहीं कुशल, मैंने वो हार नहीं। अरे पंटी बेटा, मैंने कहा ना टेंशन लेने की। सॉरी। अब कैरी ऑन। एक्शन। नहीं कुशल, मैंने वो हार नहीं चुराया। ओएमजी, तो मैं हंस नहीं पा रही हूँ, ऊपर से स्टूपिड नितिन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। कट। सर एक मिनट, मैं देखता हूँ। हाँ जी, सॉरी नितिन, दो मिनट आओ ना, तुमसे बात करनी। श्योर, सॉरी गाइस, सॉरी, रियली सॉरी, कैरी ऑन। वैसे राजीव, मुझे भी तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो ना। राजीव क्या है ना, कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा प्रोड्यूसर नहीं देखा। मतलब यार तुम कमाल हो, धमाल हो। आज तक तो तारीफ करी नहीं, आज क्या हो गया सर? एंड बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, मैंने सुना कि गप्पू के स्कूल में जो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके तुम जज हो। हाँ वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें किसने बताया? पता लग जाता है, वो क्या है ना कि स्कूल के साथ मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं मना कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा ना। भूल से भी ये भूल मत करना। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम ही जज बनो। अच्छा क्यों? वो क्या है ना, मेरा भांजा बंटी,
वो भी गप्पू के स्कूल में पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे, और मैंने यानी कि उसके मामू ने उससे प्रॉमिस किया कि वो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन जीतेगा, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम यानी कि उसके मामू के दोस्त मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक तुम जज हो उसके फर्स्ट प्राइज पे किसी भी तरीके की आंच नहीं आएगी। ये मैं प्रॉमिस कैसे कर सकता हूँ? अरे जैसे कि मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे रहते तुम्हारे शो पे किसी भी तरीके की आंच नहीं आएगी। अब तुम मेरे भांजे को अपना भांजा समझो और मैं तुम्हारे शो को अपना शो समझूंगा। लेकिन ये तो तुम्हारा ही शो है ना। अरे भांजा भी तो मेरा ही है ना। अब वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो क्या है ना, हमारे चैनल पे एक शो आता है लव के परिंदे। लव के परिंदे, वो क्या है ना कि मुझे उसका एपिसोड बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसका एपिसोड रिजेक्ट कर दिया और टाइम पे टेलीकास्ट हो ही नहीं पाया। अब बेचारे प्रोड्यूसर को 3-4 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ गई। लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा, एक मिनट, फर्स्ट प्राइज क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइज बंटी क्यों? समझदार हो, तभी तुम मेरे फेवरेट प्रोड्यूसर हो। अच्छा राजीव मैं चलता हूँ अभी, मुझे जरूरी काम है, बाकी ध्यान रखना। हाँ महान बाबूजी बोलिए। लल्ला जल्दी घर आ जा, गप्पू की तबीयत ठीक नहीं है। गप्पू क्या कहाँ है गप्पू, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, आ जाओ। अरे बाबूजी क्या आप, हाँ अम्मा है प्रिया है, लेकिन गप्पू कहाँ है? आप कह रहे थे बीमार है। राजीव। हाँ बेबी आया। विजय भवा, अपने बेडरूम में जा रहा हूँ बीवी के पास, आप तो ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं जैसे कोई मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। जा बेटा जा, युद्ध भूमि जैसे ही मजा आएगा, जा। बाबू जी आप महान है, वो तो हम है, बल्कि मैं तो कहूंगा छोड़िए। बहू तुझे नहीं छोड़ेगी, जा। बेबी। अरे आइए आइए राजकुमारी जी आइए। राजकुमारी, यू मीन राजकुमार? राजीव मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा कर सकते थे। कैसा करूंगा? जैसा तुमने किया है। कैसा किया मैंने? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या किया बेबी मैंने ये तो बताओ। ये क्या है? ओह ये तुम्हें कहाँ से मिली? मिली नहीं दी, तुम्हारी अम्मा जी ने। सो स्वीट, उन्होंने अब तक संभाल के रखी थी। नाइस। तुम्हारे बचपन के कारनामों का सबूत, तुमने जो बचपन में कारनामे किए थे ना, आज उसकी सजा बेचारी मेरे गप्पू को मिल रही है। मतलब तुम जानते हो ना कि गप्पू के स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसके जज तुम हो। Of course, baby. लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारी प्यारी अम्मा जी हमारे गप्पू को फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बिंदिया बहू बनाकर भेजना चाहती है। क्या गप्पू बिंदिया बहू? नहीं राजीव, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं गप्पू को किसी भी हालत में बिंदिया बहू नहीं बनने दूंगी। Of course, baby. बिंदिया बहू नहीं बनेगा, वो जो तुम चाहती हो बन जाएगा। राजीव मुझे तुमसे दो वादे चाहिए, एक कि गप्पू बिंदिया बहू नहीं बनेगा। Done, baby, done. पहले पूरी बात सुनो, पूरी बात नहीं की है मैंने। दूसरा, ये कॉम्पिटिशन हर हालत में हमारा गप्पू जीतेगा। वो क्या है ना, मेरा भांजा बंटी, वो भी गप्पू के स्कूल में पढ़ता है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक तुम जज हो उसके फर्स्ट प्राइज पे किसी भी तरीके की आंच नहीं आएगी। एक मिनट देखो, मैं जज हूँ बेबी, और जज चीटिंग थोड़ी ना करेगा। तुम खुद बताओ, अगर गप्पू बेस्ट होगा तो वो जीतेगा, नहीं तो आगे। किस तरह के बाप हो तुम? क्यों? माँ बाप अपने बच्चों को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तुम कंपटीशन के जज होने के बावजूद संस्कारी बन रहे हो? तो मेरी बात सुन लो, अगर मेरा गप्पू ये कंपटीशन नहीं जीता ना, तो मैं उसे लेकर हमेशा के लिए दिल्ली चली जाऊंगी। ये बात मेरी गर्दन की है जो किसी भी हालत में नहीं झुकेगी। ठीक है बेबी, ट्राई कर, मतलब जिताऊंगा, कुछ भी करूंगा। आओ मेरे वीर योद्धा, आओ। आया रणभूमि में मजा? बाबूजी यहाँ मैं वीर गति को प्राप्त हो गया था ऑलमोस्ट, और आपको मजाक सूझ रहा है? ये क्यों फोन कर रही है? हाँ तनवी बोलो। कितने टेक ले लिए कुशल ने, वो कर ही नहीं पा रहा है, रो ही नहीं पा रहा है, एनजी एक्टिंग कर रहा है एकदम। कुशल रो नहीं पा रहा है, बिंदिया को रोना नहीं है, मैं यही सब हैंडल करने के लिए रह गया हूँ क्या? तुम वहाँ किस लिए हो? मुझे फोन मत करना, मैं बिजी हूँ। अरे लेकिन सर। अरे इसे छोड़, तू जा, एक रणभूमि से पराजित होके आया है, दूसरी रणभूमि में जा और दुश्मन से लोहा ले।
नहीं नहीं मेरे को प्रिया से बात करनी है। आरिन आ जा। अरे नहीं 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 इधर जा, इधर 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 इधर। महान तो हम है ही, बेचारा बीवी और माँ के चक्रव्यूह में फंस के राजीव से महाभारत का अभिमन्यु बन गया है, लेकिन हमें तो बड़ा मजा आ रहा है सर। हाँ जी, उन्होंने बोला आप करो कैसे भी करो। अच्छा एक बात बताओ, मैं डायरेक्टर हूँ या ट्रैक्टर? सर आप साइज के हिसाब से पूछ रहे हैं क्या? ओ, मैं ट्रैक्टर नहीं हूँ कि राजीव सर के कहने पर चलूं, और मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर नंबर वन डायरेक्टर। ओ आने दो कुशल को, उसे दिखाता हूँ कि डायरेक्टर क्या चीज होता है। सर लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, सीन के हिसाब से बिंदिया मैम को रोना था लेकिन वो हंस रही थी, और अब सीन के हिसाब से कुशल को रुलाना है लेकिन उसको तो रोना आता ही नहीं है। बेटा वो रोएगा, अच्छी तरह से रोएगा। कैसे? तुम ऐसा करो कि ढेर सारी हरी मिर्चियों का इंतजाम करो। स्पॉट दादा। क्या करने वाले? सुनो, टिक्की वाली लाना। यस सर। और जल्दी आना। आ गया। नहीं हो रहा सर, मैं नहीं रो पा रहा हूँ, अब क्या करूँ सर, शो में कभी मैं रोया ही नहीं, और देखो ना स्क्रिप्ट में क्या डायलॉग लिखे, वाह 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 वाह, ऐसे कोई रोता है? ओ कुशल साहब, मैं तुम्हारा ऐसा शॉट लेने वाला हूँ कि तुम्हारे रोने पर तुम सारे अवार्ड्स ले लोगे। सच्ची? सर आप जैसे बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, बस आइडिया दे दो कि रोना कैसे सर। ओ मिर्ची आई, ओ वेरी गुड। कुशल बेटा, जैसे ये मिर्ची तुम चबाओगे तुम्हारे मुंह में जाएगी, और वैसे ही अंदर से आंसू जो है वो बाहर आएंगे, और एक्सप्रेशन ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे आए हाय कि सारे अवार्ड्स तुम ले जाओगे। ठीक है, थैंक यू। अरे मेरे एक्शन बोलने से पहले तुम मिर्ची खा गए? अरे 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 भाई जल्दी करो, बिंदिया जी अरे जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे अरे भाई कमाल है, एक्शन बोलो। अच्छा चल जा। वाह 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 वाह, नेशनल अवार्ड वाला, वाह 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 वाह। बताइए सर कैसा लगा आपको मेरा शॉट? जीनियस है। और तेरा मुंह क्यों लटका है? सर कैमरा रोल नहीं था सर। क्या? कैमरा रोल नहीं था सर, अब क्या करोगे तुम? अब क्या होगा? कुछ नहीं, मिर्ची फिर के लाओ। ये ले। अरे बैठ। हाँ हाँ, चूड़ी कंगना बिंदिया पायल, ये क्या है अम्मा? लल्ला तुझे याद है एपिसोड नंबर 1242 में बिंदिया बहू ने जो साड़ी पहनी थी, जो झुमके पहने थे, जो मंगलसूत्र पहना था, जो चूड़ियां पहनी थी, जो बिंदी लगाई थी, वो सब हमें चाहिए। अब तू एकदम मासूम बन के हमसे पूछ, क्यों अम्मा? क्यों अम्मा? वाह लल्ला वाह, अब तू हमारा लल्ला नहीं रहा, बहू की उंगली का छल्ला बन गया है। ऐसे पूछ रहा है जैसे अभी बहू ने तुझे कुछ बताई। अम्मा ऐसा नहीं है। कैसा है लल्ला, हमें सब पता है, और अगर तू ये सोच कर आया है कि हम छोटे लल्ला को बिंदिया बहू नहीं बनाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं नहीं अम्मा, मैं ये नहीं सोच रहा, लेकिन अगर गप्पू कुछ और बन जाए तो उसमें क्या हर्ज है, और हमारी बात सुनना तेरा फर्ज है। लल्ला, छोटा लल्ला बिंदिया बहू बनेगा मतलब बनेगा, ये हमारी नाक का सवाल है और इसे हम कटने नहीं देंगे। हाँ, और लल्ला हमने सुना है कि ये प्रोग्राम तू ही जज कर रहा है। हाँ माँ। तो हमारे छोटे लल्ला को फर्स्ट प्राइज मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं तो हम चले बनारस हमेशा के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।